हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन बीते रविवार को नियम 278 के तहत विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पक्ष व विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। महिला सुरक्षा की बात करने वाले इस सरकार के कार्यकाल में 1574 रेप व 354 मर्डर हुए हैं। आज ही अखबारों में छपा है कि जो इसके लिए कानून निर्धारित है, FRBM कानून जो है, उसमें छूट लेने के लिए जो है सरकार विधानसभा के पास आ रही है। आज की अखबारों की तो वो सुर्खियां हैं। तो जब ये FRBM का कानून में छूट के लिए प्रयास कर रही है सरकार, जब इनकी जो पीछे फाइनेंशियल बजट आया था उसमें इन्होंने कहा था बाय द ईयर एंड जो है हमारा 17,000 करोड़ का बजट होगा, इस एंड तक जो है आप देखें कि क्या 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 क्या, क्या स्थिति बन जाएगी। आप देखें कि मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट जो हवाई अड्डा था, हवाई अड्डे की अभी ज़मीन भी अधिग्रहण नहीं हुई, अभी तक जो वहाँ पे जो है किसी को मुआवजा नहीं दिया गया, केंद्र से कोई पैसा नहीं आया। ऐसे तो इनके ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहे हैं। नेशनल हाईवे इन्होंने कोई नहीं बनाया है, 4 लेन इन्होंने कोई नहीं बनाया, रेल लाइन इन्होंने कोई नहीं बनाई, हवाई अड्डा इन्होंने कोई नहीं बनाया, और जो है जनता पूरी तरह त्रस्त है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप छोड़िए, मंडी का शिव धाम आप देखो बना रहे हैं, 18 करोड़ रुपए का टेंडर था, उसको जो है 38 करोड़ का दे दिया। पेपर लीक मामले में 200 के करीब लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन जो पैसा पेपर बेचकर इकट्ठा हुआ उसकी कोई जानकारी नहीं है। इस सरकार ने मेरिट का गला घोट दिया और सरकार द्वारा हिमाचल की बिक्री की जा रही है। वही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पेपर लीक का मामला जैसे ही उनके संज्ञान में आया तुरंत जांच के आदेश दिए गए। 204 आरोपी आज सलाखों के पीछे हैं। जब 2016 में कांग्रेस सरकार में पेपर लीक हुआ था तब कांग्रेस ने पेपर रद्द क्यों नहीं किया? सरकार ने कर्मचारियों की सभी मांगों को पूरा करने का प्रयास किया है। स्वाभाविक रूप से देखिए, चुनाव से पहले का सत्र है और मैं पिछले 25 वर्षों से इस बात को हमेशा देखता हूं कि जब अंतिम वर्ष होता है, अंतिम वर्ष में खासतौर से ये मानसून सत्र होता है, इसके पश्चात क्योंकि हमारा विधानसभा का चुनाव का दौर शुरू हो जाता है तो ये काफ़ी अग्रेसिव होता है और विपक्ष बहुत सारे प्रश्न खड़े करने की कोशिश करता है और उसके साथ साथ में जो लोगों की एक्सपेक्टेशन होती हैं, जो वर्ग ऐसे होते हैं जिनको कुछ इश्यूज को लेकर के अपनी बात कहनी होती है, वो सब लोग मिलते हैं। तो खास तौर से अब के इस सत्र में कांग्रेस ने जरूरत तो की और वो नियम के मुताबिक किया, उसमें हमको कुछ टिप्पणी करनी भी नहीं है अविश्वास प्रस्ताव लाने की सरकार के खिलाफ, लेकिन मैं देख रहा हूं कि वो सारा का सारा उन पर भारी पड़ता जा रहा है, उल्टा पड़ता जा रहा है। और जिस प्रकार से वो सारे जिन विषयों को लेकर के सड़कों पर हल्ला डालने की कोशिश कर रहे थे, आज विधानसभा के अंदर पूरी तरह से असफल हुए सारी बातों का वहां पर प्रस्तुतिकरण करने के लिए प्रयास किया, लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब सरकार की ओर से उनको सभी माननीय सदस्यों ने, माननीय हमारे मंत्रियों ने, विधायकों ने दिया है। अभी 3 बजे तक उस पर डिस्कशन होनी है, लेकिन मैं कुल मिलाकर के अभी तक के इस दौर में जो फर्स्ट हाफ का जो हमारा डिस्कशन का जो दौर देखा मैंने अविश्वास प्रस्ताव पर, वो कांग्रेस को उल्टा पड़ा है, भारी पड़ा है और उनके ही साथ ही इस बात को कह रहे हैं कि लाभ के बजाय नुकसान होता दिख रहा है। ऋण की बात कही, एक उठता है वो कहता है 70,000 करोड़ का, दूसरा उठता है 80,000 का, तीसरा उठता है 90,000 करोड़ का। यानी कि कम से कम विधानसभा के सदस्य होने के नाते, विधायक होने के नाते जिम्मेवारी के साथ तो कहो, अभी हमारा 65,000 करोड़ से भी कम का ऋण है, ये फैक्ट्स है। और ये भी सच्चाई है जिसका मैं जिक्र वहां पर माननीय सदन में कर भी रहा था आज, अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो वृद्धि दर इनके समय में कांग्रेस की गवर्नमेंट में 67% थी और ऋण की वृद्धि दर हमारे समय में 35% है। एनिमल लाइफ की स्पेशल रिपोर्ट।